हमारे बॉडी के रक्षक इम्यूनिटी सिस्टम। दोस्तों, कभी सोचा है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं और बीमार पड़ने पर हमारा शरीर कैसे ठीक होता है? ये सब हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक अद्भुत सेना की वजह से होता है, जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम हमारे शरीर का रक्षा कवच है। ये हमें बीमारियों से बचने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये एक विशाल और जटिल तंत्र है जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं, उत्कुन और अंगों से मिलकर बना है। ये प्रणाली हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनुओं से हमारी रक्षा करती है। ये रोगजनु हमारे लिए एक अदृश्य दुश्मन की तरह होते हैं, जो हमें बीमार बना सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम इन दुश्मनों को पहचानती है, उन पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है। ये एक बहुत ही कुशल और संगठित प्रणाली है, जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 24 घंटे काम करती है। पहली पंक्ति के योद्धा, जन्मजात प्रतिरक्षा। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम डोमेन भागों में विभाजित है, जन्मजात प्रतिरक्षा और अनुकूली प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा, जैसा कि नाम से पता चलता है, हमारे जन्म से ही हमारे शरीर में मौजूद होती है। यह हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है, जो किसी भी बाहरी आक्रमणकारी से तुरंत लादने के लिए हमेशा तैयार रहती है। यह प्रणाली बहुत ही तेजी से प्रतिक्रिया करती है और इसे किसी भी पूर्व अनुभव या तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली में कई तरह के योद्धा होते हैं, जैसे कि त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स और फगोसाइट्स। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जो हमें बाहरी वातावरण से अलग करता है और रोगजनुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। श्लेष्मा झिल्ली हमारे नाक, मुंह और अन्य आंतरिक अंगों को ढकती है और रोगजनुओं को फंसाने में मदद करती है। फगोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, जो रोगजनुओं को खाकर नष्ट कर देती है। ये कोशिकाएं हमारे शरीर के सफाई कर्मचारी की तरह काम करती है। नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स भी एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, जो संक्रमित कोशिकाओं और कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। प्रशिक्षित योद्धा, अनुकूली प्रतिरक्षा। अनुकूली प्रतिरक्षा हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरा और अधिक विशिष्ट हिस्सा है। यह प्रणाली जन्मजात प्रतिरक्षा से धीमी होती है, लेकिन यह अधिक लक्षित और प्रभावी होती है। यह प्रणाली हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले विशिष्ट रोगजनुओं को पहचानती है और उनके खिलाफ विशिष्ट हथियार बनाती है। ये हथियार एंटीबॉडीज कहलाते हैं, जो उस विशिष्ट रोगजनु को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली में मुखिया भूमिका लिम्फोसाइटिस नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं निभाती हैं। दो मुखिया प्रकार के लिम्फोसाइटिस होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडीज का उत्पादन करती हैं, जो रक्त प्रवाह में घूमते हैं और विशिष्ट रोगजनुओं को पहचान कर उनसे जुट जाते हैं। यह जुदा रोगजनुओं को निष्क्रिय बना देता है और उन्हें नष्ट करने के लिए अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संकेत देता है। टी सेल्स संक्रमित कोशिकाओं को सीधे नष्ट करके संक्रमण से लड़ती है। वे शरीर में घूमती हैं और संक्रमित कोशिकाओं की सतह पर मौजूद असामान्य प्रोटीन को पहचानती हैं। एक बार पहचान हो जाने के बाद वे संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। सहयोग से जीत, जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा का तालमेल। जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली दोनों ही मिलकर हमारे शरीर को रोगजनुओं से बचाने के लिए काम करती हैं। जब कोई रोगजनु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होती है। ये प्रणाली रोगजनुओं को नष्ट करने की कोशिश करती है और साथ ही अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के लिए संकेत भेजती है। अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली धीमी गति से सक्रिय होती है, लेकिन यह अधिक लक्षित और प्रभावी होती है। ये प्रणाली उस विशिष्ट रोगजनु के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है और संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच ये सहयोग हमारे शरीर को रोगजनुओं से बचने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।